इतना एटीट्यूड, हम तुम्हें गंजी कर देंगे। ठोकापुर शॉपिंग मॉल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे हर सामान पे 80% की छूट है। ओह। लेकिन यह शर्त है, खरीदा हुआ सामान यहीं पे रखना पड़ेगा। इंग्लैंड की प्रिंसेस यहाँ पे शादी की शॉपिंग करने आ रही हैं। ओहो। और अगर किसी ने मेरा प्लान चौपट किया, उनको बताया कि मैं नकली हूँ, तो ये तलवार देख रहे हैं आप, ये खानदानी तलवार है। मेरे दादा परदादा सब इसी से मरे हैं। चप्पू, चप्पू, ये क्या मजाक है? दासी होकर राजा का नाम लेती हो? ये लो कोड़े, खुद को 50 कोड़े लगाओ फटाफट। तुम क्या भूल रहे हो, मैं तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ। तो ठीक है, 20 कोड़े ज्यादा लगा लो, लेकिन मैं एक भी कोड़ा ज्यादा नहीं दूंगा, फटाफट लगाओ। ये क्या दासी, क्या कोड़े? देखो तुम मुझे परेशान मत करो, तुमने मेरा गुस्सा देखा नहीं है। ओ, LOL, LOL. ये क्या LOL, LOL लगा के रखा है? एक तो तुम्हारे कहने पे ये सब पहना हुआ है मैंने। मेरे कहने पर नहीं पहना, झूठ मत बोलो, मेरे ब्लैकमेल करने पे पहना है। अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया, मैं कप्पू भैया को जाकर सब बता दूंगा फिर। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अपने भैया को कुछ नहीं बताओ। एक तो मुझे पता ही नहीं कि बताएगा क्या। हाँ। और लेकिन मैं क्वीन बनूंगी सिर्फ। क्वीन? वो तो कंगना कब की बन गई, तुम कृष बन जाओ। एक काम करो, तुम मोहन जदारो बन जाओ। मुझे कुछ नहीं बना, मैं जा रही हूँ। कप्पू भैया, मैं सब बताने आ रहा हूँ। अरे रुक जाओ, मैं तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। ठीक है, पकड़ो इसको, तक लिया। ए, रुको, तलवार देके जाओ इधर। जाओ जाके शाही मेहमान के आने का स्वागत किया जाए। चलो 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 चलो। इंग्लैंड की महारानी का हमारे दरबार में स्वागत है। एक्सक्यूज मी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नो, एक्सक्यूज मी, आपको शायद पता नहीं, आप रॉयल वेलकम कर रहे थे, आपको मुझे हाथ पे किस करना था। किस तो हम शादी वगैरह के बाद ही करते हैं। मेरी शादी तय हो चुकी है। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हमारी करेंसी वहाँ नहीं चलती, वहाँ की शादी इधर नहीं चलती। अरे को नो, आपको गलतफहमी हुई है, मैं किसी और से ऑलरेडी प्यार करती हूँ। देखिए, प्यार तो मैं भी दीपिका पादुकोण से करता हूँ, लेकिन मेरा अफेयर तो जैकलीन के साथ चल रहा है ना। So just chill, just chill. फोन पे तो बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे कि हम आपका स्वागत ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, कब से आई हूँ, चाय भी नहीं पूछी। हम क्षमा चाहते हैं, अभी चाय पूछ लेते हैं। आप चाय लाई? मेहमानों को चाय ऑफर की जाती है। आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है, कहीं आप इटली से तो नहीं है? जी हूँ, पर इटली में हिंदी कौन बोलता है? सारे बोलते हैं, हम लोग पूरी फैमिली के साथ गए थे, हमने आपस में हिंदी में बात की। हम तो हिंदी में बात करते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, भारत माता की जय। आप खड़ी क्यों है, बैठती क्यों नहीं? कहाँ बैठूं? एक मिनट इधर रहिए, हमारी शाही गोद आपका स्वागत कर रही है। मैं लंदन की महारानी हूँ, मैं एक पराए मर्द की गोद में बैठूंगी? जब गोद में बैठ गए फिर वो पराया कहाँ रह जाता है? मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। क्षमा चाहते हैं। या दासी। हेलो योर हाइनेस। ये कौन है? ये महारानी। दासी। महारानी है या दासी है? ये दासी है, लेकिन हम प्यार इनको महारानी वाला ही देते हैं। महाराज जरा अपनी जुबान पे लगाम दें। आप राजा से जबान लड़ा रही है? आपको आज ही महारानी के पद से बर्खास्त किया जाता है। चलो आज से आप इस महल की दासी है। लो गमछा, चलो महल पे कपड़ा मारो, चलो 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 चलो, जाइए महारानी के लिए नाश्ते का प्रबंध करें। हम क्यों बनाए? खुद को कोड़े मारने का इंतजाम करें, कप्पू भैया को बताने जा रहे हैं हम सब कुछ। महाराज महाराज, हमारे कहने का सिर्फ ये मतलब था कि शाही रसोई में खाना खत्म हो चुका है, तो घोड़ों के अस्तबल में से चारा लेके आया जाए। घोड़ों के अस्तबल से? क्यों, वो नहीं हमारे चने खाते, एक दिन हम उनका चारा नहीं खा सकते? एक्सक्यूज मी, आप मुझे घोड़ों का खाना खिलाएंगे? मेरे यहाँ पे 8 तरह के बिस्किट, 10 तरह के बर्गर, 15 तरह के सैंडविच, 20 तरह के केक और 15 तरह के पिज्जा नाश्ते में बनते हैं। हमारे यहाँ की भैंसी भी इससे कम खाना खाती है। Excuse me, आपकी क्या प्रॉब्लम है? भैंसों के डायपर इनको बदलने पड़ते हैं ना, चिढ़ती हैं ये। महाराज, मुझे लगता है मुझे भी जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं, आप इतनी थकी हुई लग रही, मुझे लगता है आपको हमारे शाही तालाब में स्नान करना चाहिए। Oh my God, wow, यहाँ पे शाही तालाब है? जी बिल्कुल। Oh, दासी okay. जाइए और तालाब में सारी भैंसों को बाहर निकलने का हुक्म दीजिए, जाइए।
भैंसों के साथ क्यों नहाऊंगी? ऐसे कैसे नहीं नहाएंगी, हमने सारी प्रजा से चार चार अशरफियां लेके वादा किया है महारानी इधर नहाएंगी। जाइए जाके क्वीन के लिए शाही मुर्गा पकाया जाए। मुर्गे भी खत्म हो चुके हैं। तो कुकर में आलू डालो, उसका ढक्कन बंद करो, खुद करो, जाओ, सारा दिन कुकड़ू कुकड़ू करती रहती हो इधर। महाराज, पट पक लिया। हम आपको याद दिला दे, कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। हम अपनी शादी की शॉपिंग करने, actually I love Indian culture, you know. Even I love. Please आप एक काम करिए, मुझे कुछ ढंग का दिखाइए मेरी शादी के लिए। आइए। Let's go. यहाँ आइए, ये देखिए, मुगलों के जमाने की लिपस्टिक। Oh wow, तब लिपस्टिक्स भी होती थी? क्या बात कर रही हैं, बहुत अच्छी लिपस्टिक है, आपको पता है 6-6 महीने तक चलती थी ये। Surely long lasting, what quality? Quality ठीक ठाक है, मुगल जंग पे जाते थे 6-6 महीने, तो पीछे लिपस्टिक कौन खराब करे फिर। ओके, आप मुझे इत्र दिखाई, मैंने यहाँ के इत्र के बारे में बहुत कुछ सुना है। इत्र बहुत, हमारे पास मुगलों के जमाने के इत्र हैं, ये देखिए। Damn nice. स्प्रे करके देखिए आप। इससे प्यास की बदबू आ रही है। अरे मैंने बताया ना आपको, मुगल युद्ध पे जाते थे वो जानबूझ के बीवियों को ये इत्र लगा के जाते थे ताकि उनका कोई मित्र ना आए ऐसे। आप मुझसे दूर करिए और मुझे मोती का हार दिखाइए। मोती का हार देखना आपको, यार इतनी डिमांड बढ़ी है, ये लो मोती का हार। ये कुत्ते का पट्टा है। हाँ तो ये हार हमारे मोती का है। आप चाहते हैं कि मैं इंग्लैंड की महारानी कुत्ते का पट्टा पहनूं? ये आपके लिए नहीं है, ये आपके होने वाले कुत्ते आपके पति के लिए। कौन सी ब्रीड वैसे ले रही हैं आप? चलिए आप मुझे कुछ कपड़े दिखाइए शादी के। कपड़े? या बिल्कुल शादी के कपड़े। यस शादी के कपड़े। ये लीजिए शादी के कपड़े, ये लीजिए कुर्ता, ये लीजिए धोती। ये क्या है? ये पंडित यही कपड़े पहनते शादी में? मैं पंडित के लिए नहीं, अपने लिए कपड़े मांग रही हूँ। अपने कपड़े तो आपके पास होंगे ना? मैं दुल्हन के कपड़े मांग रही हूँ। दुल्हन के कपड़े मिल जाएंगे, कल हमारे यहाँ पे शादी है, दुल्हन से छीन के दूंगा आपको। अरे यार मुझे दुल्हन के नए कपड़े चाहिए। दुल्हन के नए कपड़े चाहिए? क्या? ओके दासी, अब क्या है? अब क्या हुआ, ये कोई तरीका है? शाही दासी ऐसे बात करती है? महाराज की जय हो, हुक्म फरमाए। फटाफट इनको ये कपड़े उतार के दिखाओ। ये काम आप खुद भी कर सकते थे। शट अप लिया, फटाफट किया और गेट आउट लिया। चलिए ये लीजिए। ये क्या है? ये नाइटी है। हाँ तो? हाँ तो क्या, मैं नाइटी पहन के शादी में बैठूंगी तो लोग क्या सोचेंगे? अरे मैडम देखिए, अब आप इतने सारे मेहमान आएंगे, उनको शादी के बाद सी ऑफ करने जाएंगी, फिर वापस आके थक जाता, फिर चेंज करने का मन नहीं करता, तो इसी में ये शादी में यही पहनो आप। लोग क्या सोचेंगे अगर मैं ये पहन के बैठूंगी तो? अगर आप ये भी नहीं पहनेंगे तो लोग फिर और ज्यादा गंदा सोचेंगे। हाँ बोलो, महाराज की जय हो, हुकुम फरमाए। नहीं कुछ नहीं, मैं ताली का नेटवर्क चेक कर रहा था कि आ रही आवाज के नहीं आ रही। महाराज की जय हो। जय हो। महाराज की पीठ पे खुजली हो रही, थोड़ी करो। यू अब ये क्या कर रहे हैं? हमारे राज्य में अगले महीने खुजली आयोजन हो रहा है, हम उसकी रिहर्सल कर रहे हैं, आप भाग लेना चाहेंगी? मैंने आपको बताया ना कि मैं यहाँ पे शादी की शॉपिंग करने आई हूँ। सुन लिया तो फिर भग लिया, चलो हट। मैं कितने सपने लेकर आई थी यहाँ पर कि मैं यहाँ पर हिस्टोरिकल कपड़े खरीदूंगी अपनी शादी के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके पास कुछ भी है। क्या बात कर रही हैं आप, आपको पता है हिस्टोरिकल कपड़े में बनाने में हमारा नाम है। अच्छा। केला पहले आता था ना, पहले नंगा आता था, उसको हमने कपड़े पहनाए। सबसे पहले केले के कपड़े हमने बनाए, इसीलिए उसको बनाना कहते हैं। अच्छा तो फिर मूली ने कपड़े क्यों नहीं पहने? मूली गोरी होती, गोरों का आपको पता है इंजॉय गोवा बीच। एक तो ये बड़ी भारी है। आप एंजॉय एंजॉय छोड़िए, मुझे लहंगा ट्राई करना है, ट्रायल रूम कहाँ पे है? आप ये पहनेगी तो वो क्या पहनेगी बेचारी, कुछ बोलती नहीं, इसका मतलब उसके कपड़े उतार लो। What the hell is wrong with you? मुझे वो लहंगा खरीदना है, मुझे पहनना है, मुझे ट्रायल रूम दिखाओ। ट्रायल रूम? अरे ट्रायल क्या, रूम क्या करना है, सब अपने ही तो है। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर सबके सामने ट्रायल करूँ? सबके सामने ट्राई करने में क्या है अभी, मैं पिछले महीने इंग्लैंड गया, मैंने सबके सामने जुराबे पहनी, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। Are you mad? वो जुराबे थी। अच्छा अपने हाथ भी कवर कर रखी थी, हमारा पैर भी ना कवर हो, वाह। इतने बड़े सियासत के राजा की पैरों की कोई इज्जत नहीं। आई डोंट थिंक आपने आज से कभी भी किसी को कोई शादी का सामान बेचा है। क्या बात कर रही हैं आप, नहीं मुगलों की शादियां होती थी, भाले हमारे यहाँ से जाते थे। What? शादियों में भाले क्यों जाएंगे? अरे वो चौमिन खाते ना ऐसे। आपको पता है
ये कहावत भी उन्होंने कही थी कि अमी तुम्हारे बालो भाची। एक मिनट, मुगल सल्तनत में मुगलों ने बंगाली बोली थी। जी जी, इसी चक्कर में लड़ाई हुई थी ना। मुगल कहते थे हम तो युद्ध पे चले जाते, पीछे बंगाली कौन बोल जाता है। ये प्रॉब्लम हुई थी। महाराज 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 महाराज, एक बहुत बुरी खबर है। हमें नहीं चाहिए, किसी और को दे दो। हाँ हेलो, ताजमहल को लोखंडवाला से उठाकर फिल्म सिटी लेकर जाओ। वहां पर एक सॉन्ग की शूटिंग हो रही है, रोमांटिक सीन है। दासी ये थक गए होंगे, इनके विश्राम का प्रबंध करें। ले जाए इनको, ले जाए ले जाए। थक गए होंगे, 200 किलो का फोन उठाया मैं, थक गया हूँ। कितनी देर से फोन कर रहा हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। युद्ध की शुरुआत तुमने की थी, लेकिन खत्म महाराज करेंगे। क्यों करेंगे? दो मिनट वो भी तो बात कर रहे हैं, तुम फालतू में युद्ध युद्ध करी जा रही हो। महाराज रातों की भूत बातों से नहीं मानते। ये कौन सा नाटक चल रहा है? मैं तो अपना सामान लेने आया हूँ। एक्सक्यूज मी, आप कौन से नाटक, कौन से सामान की बात कर रहे हैं? व्हाट इज ही सेइंग? आप सब्र रखिए योर हाइनेस, हम इनकी बातों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जब हो जाएगा हम आपको बता देंगे। यू डोंट गेट इट, मुझे ये सब पसंद नहीं है। आई वांट पीस। मैं भाई योर हाइनेस के लिए पीस का प्रबंध किया जाए, मैं तो कहता हूं 2 पीस का प्रबंध किया जाए। जाइए, चलिए। देखो देखो, मैं धंधे में मजाक बर्दाश्त नहीं करता। तो जिनका धंधा ही मजाक करने का हो, वो क्या करे? अपने मजाक के साथ मजाक रखो, मुझे मेरा पैसा दो। एक मिनट, कौन से पैसे की बात करें? आप कुछ कहते क्यों नहीं है महाराजा? हेलो हेलो। राजा चप्पू, ये क्या हो रहा है? राजा चप्पू? कौन राजा? ये राजा तो? इसको तो कभी किसी ने ये नहीं कहा, आजा ये राजा। किसने बनाया तुझे राजा? मेरे पापा ने। मैं जब पैदा हुआ था मेरे पापा कहते आले आले मेरे राजा बेटा। तो अगर इसके बाद किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो मैं यहाँ की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं आपको झुंझुना दूं, वो बजाओ, बड़ा मजा आएगा। आपको भी आएगा, हमें भी आएगा, क्या बोलते? फिर एक काम करते हैं जी, तुम्हारे पैर में एक पायल पहना देता हूँ। बस हमें ये आइडिया पसंद है, मंगवाओ। महाराजा आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप यहाँ पर सबके सामने पायल पहन के नाचेंगे? देखिए मंच कोई भी छोटा नहीं होता, अगर किसी का भला होता है हम जरूर नाचेंगे। म्यूजिक, इतना ही डांस काफी है महाराजा। करो ये मजाक, हमारा भी थोड़ा सा डांस निकल गया। Go fight him! इतनी बेइज्जती मेरी, अब मुझे रोने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे इतना मेरे को दुखी किया, मैं अपने भैया को बताऊंगा जाके। कप्पू भी आएंगे ना, फिर देखना मैं मारेंगे वो गंदे बच्चे मेरे को मारे। बेचता हूँ कप्पू भैया को मैं। बस बात हो गया, अब जैसा मैं बोलूंगा वैसा होगा। सब कान खोल के सुन लो। छोड़ो, हाथ छोड़ो, ये जाओ, तक लिया, मैं चप्पल भी खोल दी, चलो तक लिया, जय हो, तुम्हारी भी जय हो। ये कौन है? मैं का भाई ऊ क्या? मैं कप्पू का भाई गप्पू। यार नीचे सबटाइटल चलाओ भाई। चुआर के बच्चों, ये तो तुमने साफ बोला। गाली में कोई कंप्रोमाइज नहीं, साफ देता हूं दिल से। तो तूने मेरी बहन को छेड़ा। बहन नहीं, वो तुम्हारा भाई है। हमने बहनों की तरफ पाला उसको। हमारी कोई बहन नहीं थी, राखी बनवाता था मैं उससे। ये तुम्हारी माँ ने किस तरह की औलाद पैदा की? खबरदार अगर मैंने बाप के बारे में कुछ बोला तो। मैंने बाप के बारे में नहीं, तेरी माँ के बारे में बोला है। मैंने माँ को बाप का प्यार दिया है। तेरे को क्या? ओ भाई, मुझे चाहे जितना मर्जी मार लो, लेकिन रिलेशन तो सही बोलो। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा,
एक साथ दो तलवारों के साथ युद्ध लड़ेंगे आप? मैं गुजराती स्टाइल में लड़ूंगा। ओके, हमें भी करना है। ये युद्ध करना बच्चों का खेल नहीं है। एक भी स्टेप मिस हो गया, हाँ, तो 5 साल का फावड़ा हो सकता है। नो प्रॉब्लम, मंजूर है। मंजूर है। व्हाट डू आई पिक? चलो, म्यूजिक। हालो रे हालो, यो ये। महारानी को मेरे भाई टप्पू का सच पता चला? क्या इस भाड़े वाले को उसके सामान का किराया मिला? क्या दासी सल्ला भांडा फोड़ने में सफल हुई या नहीं? ये देखने के लिए देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। तक लिया, चलो।